बाबा एक मुरली में आया था अष्टदेव जो धर्म पिताओं का बीज रूप है उनका भी पूर्वज है। धर्म पिता का भी अष्टदेव पूर्वज है कैसे बाबा? वो आठों अष्टदेव हैं वो अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। तो जो जिस धर्म में जाकर के गिरते हैं वैसा ही तो ड्रामा में शूटिंग होगी है? तो जो शूटिंग पीरियड होता है उस शूटिंग पीरियड में जिस धर्म में भी जाके नीचे गिरेंगे उनके वशीभूत हो जाते हैं, अंत समय में फिर बाप आकर के उनको वहां से उठाते हैं। तो पहले पहले उनको उठावेंगे या जिस धर्म में गिरे हैं उन लोगों को उठावेंगे? पहले उनको उठावेंगे, इसलिए वो पूर्वज बन जाते हैं। वही तो धर्म पिता बने हैं। उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि जहां से हम उठाए गए हैं उनका उद्धार करें, पहले घर का उद्धार फिर पर का उद्धार। विद्यालय में जो भी मान भूल करने का जो भी नियुक्ता बनता है तो उस मान भूल का मान सजा उनके मिलता कि नहीं? जैसे गीता में भगवान कृष्ण के लिए बोला इसमें जो भी नियुक्ता बना है उसको ऐसा उजरा मिलता है कि नहीं? मिल तो गया उजूरा, इसके कारण सारा पंचायत का उल्टा हो गया। इससे ज्यादा और उजूरा क्या मिलवाओगे? 50 साल तक संगम युग में भटकना पड़ता है उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करके, और सजा देना चाहते हैं क्या है? और अष्टदेव में भी नहीं आता पूरी डायनेस्टी में नहीं आता। जो जन्मदाताओं की डायनेस्टी है, बाप समान बीज रूप आत्माओं की डायनेस्टी है, उसमें आता ही नहीं। और कंपिल में जो कंपिल में जो दिया गया है तो द्रौपदी के बारे में वो क्या हकीकत है? द्रौपदी के बारे में जो दिए हुए हैं, द्रौपदी के बारे में कंपिल में द्रौपदी कुंड बना है, हकीकत है? उन्होंने तो भक्ति मार्ग वाले स्थूल बातें पकड़ते हैं कि सूक्ष्म बातें पकड़ते हैं? वो हद की बात बनाई है भक्ति मार्ग में या बेहद की बात बनाई है? उन्होंने तो हद की बात बनाई है। उन्होंने समझ लिया यज्ञ कुंड है कोई ऐसा जिस यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करने से द्रौपदी का जन्म हुआ। स्वाहा का मतलब क्या है सो उन्हें पता ही नहीं। स्व माने आत्मा, आत्मा का जो कुछ भी है तन मन धन समय संपर्क संबंध वो सब स्वाहा करेंगे तो आत्मा की प्रत्यक्षता होगी। ये यज्ञ कुंड है, इस यज्ञ कुंड में जितना अर्पण में बनेंगे उतना मन बुद्धि रूपी आत्मा तुम्हारी दर्पण बनके तुम्हारे सामने भी प्रत्यक्ष हो जाएगी और संसार के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, तुम्हारा पार्ट ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। उन्होंने स्थूल बात उठा ली कि कोई ऐसा यज्ञ कुंड रचा गया जिसमें जौ तेल तिल घी स्वाहा किया गया तो उसमें द्रौपदी उत्पन्न हुई अग्नि से। अब योगाग्नि ज्ञानाग्नि से पैदाइश होती है, संगम युग में ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्षता होती है या उस स्थूल अग्नि से होती है? हाँ? योगाग्नि की बात है, ज्ञानाग्नि की बात है। बाबा स्थूल विनाश कब होगा? स्थूल विनाश तब होगा जब हम स्थूल शरीर के ऊपर जीत पा लें।
अभी कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही हैं कि हम कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? कर्मेंद्रियां ही कंट्रोल कर रही हैं। तो शरीर की हिस्से है ना ये शरीर के जो हिस्से कर्मेंद्रियां हैं ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। तो जब तक हमने अपने को स्वाहा नहीं किया है, अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय सेवा में पूरा लगाया नहीं है, तब तक विनाश कैसे हो जाएगा? पहले हमारा विनाश कि पहले दुनिया का विनाश? आप मुए मर गई दुनिया, पहले अपने को मारना पड़े। हाँ क्या बोल रहे? सतयुग में बाबा आठ जन्म नारायण का आठ बारह साल होगा। आठ बारह साल होगा जी? क्या आठ बारह साल? सतयुग में आठ जन्म करते हैं, आठ साल के आठ जन्म, फर्स्ट जन्म नारायण हुए, उसके बाद नीचे उतरते जाएंगे। सरनाम होगा बाबा है? हाँ है। वो नारायण का पद नहीं रहेगा, महाराजा का पद एक ही जन्म मिलेगा सतयुग में, फिर नीचे उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ। वो तो सतयुग का कृष्ण वाली आत्मा नारायण बनेगी, वो तो फिर भी एक जन्म कम हो गया, उससे भी ऊंचा कोई जन्म है कि नहीं? संगम तो हीरे समान जन्म है, सतयुग में तो सोने समान जन्म होगा। तो हीरे समान जन्म में तो कृष्ण का बाप उससे भी ऊंचा हौदे वाला होगा कि नीचा होगा? विश्व का महाराजा होगा। जो विश्व का महाराजा है वो भी अगले जन्म में नीचे उतरेगा कि ऊपर उठेगा? नीचे। वो भी नीचे नीचे उतरता जाएगा। कृष्ण पैदा होगा बच्चा सतयुग में, वो उसका मंत्री बन जाएगा, जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री। वहां तो एक ही मंत्री होता है, वहां तो मंत्री ढेर के ढेर होते ही नहीं। तो पद नीचे आ गया कि नहीं? राजा के बाद कौन होता है कंट्रोलर? प्रधानमंत्री। तो पद नीचे उतरता जाएगा, उतरते उतरते राम जो राजा था वो राम क्या बन जाएगा आखिरी जन्म में? प्रजा वर्ग में जन्म लेकर लेने वाला बन जाएगा, राम राजा राम प्रजा। और प्रजा कैसी? साहूकार प्रजा। ऐसी साहूकार प्रजा जो आखिरी नारायण को भी कर्ज देगी कि तुम अपना राज्य चलाओ। उस कर्ज में नारायण की राजाई डूब जाएगी और राम की राजाई शुरू हो जाएगी, फिर नीचे उतरेंगे। और बाबा ये बेसिक में जो अभी जॉन कर किया जा रहा है इसका भेद कब खुलेगा? दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब ब्राह्मणों की दुनिया में शूट होना चाहिए या नहीं है? तो शूट हो रहा है, ढोंग खुलेगा क्या? पहले तुम्हारे सामने खुलेगा तब दुनिया में खुलेगा कि पहले दुनिया में खुल जाएगा? पहले हमारे सामने तो पूरा राज खुले, तो हमने सारा राज जान लिया है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो तब तक हमको जानना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी भक्ति मार्ग के आडंबर हो रहे हैं वो सारे आडंबर बेसिक में देखने में आने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में। और उन सब आडंबरों का बीज यहां बैठे हुए हैं। एडवांस की दुनिया में
ये बड़े छुपे रुस्तम हैं। जैसा बच्चा होता है ना परिवार में, तो बच्चे को समझ में थोड़ा ही आता है कि हम कैसे पैदा हो गए। तो बच्चों के लिए बाप छुपा रुस्तम है या खुला है? छुपा रुस्तम है। और बेसिक वाले कहते हैं कि स्टोर बंद करता तो अपना काफी है। बेसिक वाले कहते हैं तो बेसिक वाले भाई कुछ जहाँ सुनाते हैं जो कि सुनाते हैं कहता है बेसिक वाले भाई बोलते हैं जो बेसिक जोर जोर करता है वो बहुत बड़ा पाप काम करता है। ज्ञान सुनाना पाप का काम है। तोड़ फोड़ करता है, माना समझ गए, माना जो पुराना देसी आम है उस देसी आम को काट करके कोई नई कलम लगाता है तो बुरा करता है या अच्छा करता है? तोड़फोड़ कर रहा है कि नहीं है? कलम लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, और बढ़िया फल पैदा होगा। तो आप उन्हें ऐसे समझाओ, बेसिक वालों में भी बेसिक में जब सेवा हुई तो बाहर की दुनिया से तोड़ तोड़ करके भक्ति मार्ग वालों में से तोड़ तोड़ करके यहां लाए कि नहीं लाए? कहिए, तुम तो सिंगल सेवा करते हो, हम तो डबल कर रहे हैं। हम दुनिया वालों को भी तोड़ करके कलम लगा रहे हैं और तुम्हारे अंदर से भी तोड़ तोड़ करके कलम लगा रहे हैं। हमारी डबल सेवा है, तुम्हारी सेवा है शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की सेवा, और हमारी शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं और ब्राह्मणों को खींच खींच करके ये सब कौन बैठे हैं? ये सब देवता बनने वाले हैं। तुम्हारी ब्राह्मणों को देवता बनाने वाली सेवा नहीं है, तुम तो कहते हो अगले जन्म में जाके बनेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह। हमारा लक्ष्य तो ऊंचा है, है नरसिंह डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य है जो बाबा ने दिया है। और एक छोटा भाई है जैसे में चलता है, उसको कहे कि बाबा आए हुए हैं श्री बाबा चलो, तो कहता है बाबा तो ब्रह्मा हुआ है, ब्रह्मा हुआ है, उनका चेहरा बहुत लंबा चौड़ा है, आंखों तेरा छोटा मोटा है, तो बाबा कहते उसमें आएंगे। ऐसे थोड़े किसी को बुलाना चाहिए, नहीं कहे जैसे में कहे कि चलो ज्ञान लेते चलो तुम भी लो, जबरदस्ती थोड़ी चलेगा कहने से। उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाओ, मुरली के अंदर से बेसिक में जाता है ना, तो मुरली तो सुनता है, तो मुरली के पॉइंट सुन करके ही उन्हीं से पूछो इसका अर्थ तो बताओ भाई, तो उसका दिल फिर खाएगा। इनके पास सच्चाई है और हम हैं झूठे, हमको पढ़ाने वाले गुरु भी झूठे हैं, जिनके पास वो ही मुरली सुनते हैं, वो ही पढ़ते हैं, वो ही दूसरों को सुनाते हैं, अर्थ उसका जानते ही नहीं। किसी से कहना नहीं है कि चलो हम तुम्हें गुरु जी से मिलाया है, भगवान आया हुआ है मिलाया है, ऐसे नहीं। ज्ञान को पंत कृपान को धारा, ऐसी ज्ञान की चीधी चीधी बातें सुनाते रहो कि कभी न कभी उनको लग जाएगा घाव। बाबा सेवा में सफलता का सफलता किस ढंग है? सहज सफलता कैसे हो जाए? अभी तो सफलता मिली। क्या सफल करना चाहते हैं?
तन बंधन सहज सफलता का साधन तो कठिन को सहज बनाने वाला कौन है? भगवान है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कठिन को सहज बनाने वाला भगवान है। तो जो कुछ भी है, जो लगता है कठिन है, उसको उसको ही अर्पण कर दो, सहज हो जाएगा। अपने ऊपर बोझ क्यों लेते हो? बोझ लेते हो तो कठिन हो जाता है। और बाप और बच्चे की ऐसे मधुमेह कब तक रहेगा? बाप और बच्चे को ऐसे मधुमेह कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक रखना चाहो तब तक रहेगा। क्यों? बाबा ने बोला नहीं? बाबा ने तो बोला है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम सिर्फ क्या है? अरे सदा कायम इस सृष्टि पर क्या है? शिव बाबा है। और शिव बाबा का ऑलराउंड पार्ट है इस सृष्टि पर। तो वो बाप जब तक हमें मिला रहे तो मधुर मिलन मिलता रहे, बनता रहेगा कि नहीं? बाबा एक मुरली में बोला है ब्रह्मा का फल ऑलराउंड पार्ट है। ब्रह्मा दादाजी ब्रह्मा बाबा का ऑलराउंड पार्ट है। ये ब्रह्मा कुमारियों ने तो नहीं सुना दिया आपको? ऑलराउंड पार्ट है तो अभी कहाँ है ब्रह्मा? अभी है कहाँ ब्रह्मा जी, ये तो बताओ। अभी तो बाबा के साथ है। अभी तो बाबा के साथ? बाबा के साथ इस दुनिया में है कि नहीं? इस दुनिया में है? साकार शरीर में आ रहे? बाबा के साथ में। बाबा के साथ में? अरे इन आंखों से दिखाए, हाथों से पकड़ने में आएगा, छूने में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तो पार्ट नहीं है ना। ऑलराउंड पार्ट कहाँ हुआ? 50 साल कम हो गया ना। 68 में शरीर छोड़ा और मुरली बोला इनका 50 साल कम हो जाता है। तो 50 साल जब कम हो गया तो ऑलराउंड नहीं रहा। कोई आत्मा ऐसे जरूर होगी जिसका ऑलराउंड पार्ट इस सृष्टि पर है। कभी पार्ट खलास होता ही नहीं। तो ब्रह्मा के बारे में अगर किसी ने बोल दिया कि ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट है, तो ये तो आप आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि ब्रह्मा का इस रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट है तो रंगमंच पर जो खड़ा होता है वो देखने में आता है कि नहीं? है डायरेक्टर देखने में नहीं, डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। शिव बाबा है डायरेक्टर, वो नहीं देखने में आता है। जो ऑलराउंडर पार्टधारी है वो तो देखने में आएगा। तो ब्रह्मा बाबा कहां देखने में आ रहे हैं? तो ऑलराउंड पार्ट उनका थोड़ा ही हुआ। तो 50 साल काम होता है तो फिर पैसठ में क्या होना चाहिए? हैं? ब्रह्मा का 50 साल काम होता है तो फिर 2065 में 50 साल हो जाता है। हाँ 2065 का 50 साल पूरा हो जाता है। हाँ तो फिर उनका मतलब जन्म साकार से होना चाहिए ना? वो एक ही शरीर है जिस शरीर से बाप भी प्रत्यक्ष होता है। दुनिया समझेगी कि ये हमारा बाप भी है और ये हमारा बच्चा भी है। एक ही शरीर से दोनों पार्ट प्रत्यक्ष साबित होंगे। इसी शरीर में बाप भी दिखाई पड़ेगा? उसी शरीर में साक्षात्कार करने वालों को साक्षात्कार उसी शरीर से कृष्ण का होगा, उसी शरीर से भगवान बाप का साक्षात्कार होगा। और साकार में तो नहीं होगा ना फिर? साकार में तो कृष्ण नहीं होगा ना फिर? अभी साकार में नहीं कहेंगे, अभी साकार में उसका शरीर नहीं है। है भी तो अधूरी आत्मा है, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो सकती दुनिया वालों को। अभी दुनिया वाले रियलाइज नहीं कर सकते
ये कृष्ण जैसी महान आत्मा इसमें रही है और पाठ बजा रही है। बेसिक मुझे गुजरात दादी कहते हैं फलवा तारीख फलागत तिथि को आएंगे बाबा आएंगे पहले घोषित करते हैं, क्या गलत है कि गलत क्यों है? क्यों भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं तो वो भूत प्रेतों का आवाहन करने वाले औलिया नहीं बता देते हैं कि महाराज जी इस तारीख को आएंगे आ जाना? जैसे वो बता देते हैं वैसे वहां बैठी हुई हैं औलिया, तो वो साक्षात्कार में संदेशियों को भेजती हैं और उनसे उनको डायरेक्शन मिल जाते हैं कि हम इस तारीख को इस टाइम पर आवेंगे। अरे भूत प्रेतों की दुनिया मानते हो कि नहीं मानते हो? है या नहीं है? हैं? हैं? भूत प्रेत तो हैं। दुनिया की कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर लोग समझ ही नहीं पाते, लाखों रुपया खर्च कर दो डायग्नोसिस में, बीमारी को निदान करने में, मशीनों के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के रखो आदमी को, वो कहते नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, और वो बीमार होते हैं, उनको दर्द महसूस होता है, उनको तकलीफ महसूस होती है, हाय हाय करते हैं। जो बीमारियां वो नहीं ठीक कर पाते वो औलिया लोग ठीक कर लेते हैं। उनका रहने का स्थान है क्या? हैं? उनका रहने का स्थान है क्या? इनका वो भूत प्रेत का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो लाइट का होता है या स्थूल तत्वों का होता है? जैसे आत्मा लाइट स्वरूप है वैसे सूक्ष्म शरीर भी लाइट स्वरूप है, स्थूल स्थान नहीं होता है, उनको स्थूल स्थान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी के अनुसार वो परे हैं। जो बात हम नहीं जान सकते वो भूत प्रेत विद्या से जान लेते हैं। सड़कों पर 20 बार देखा होगा मजमा लगाए खड़े रहते हैं लोग, घेरा लगाए, एक आदमी या बच्चे को सुला दिया जाता है, उसमें आत्मा प्रवेश करा देते हैं, पूछते हैं इसकी जेब में कितने नोट हैं, नोट का नंबर भी बता देते हैं, नोट का नंबर भी बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, रुपया है इतना नंबर का नोट है, घड़ी का टाइम भी बता देते बाबा, वो प्रेत आत्मा को बच्चा भी प्रवेश करा के उसके माध्यम से बोलता है जी, वो सूक्ष्म में होता है ना उनका शरीर, तो सूक्ष्म शरीर तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। अभी अभी लंदन में चला जाए उसको आने जाने में भी देर नहीं लगती, किसानी सब क्या क्या लाके दिखाया, क्या क्या लाके दिखाया, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो इतना अपना अभिमान दिखा रहे हैं अहंकार दिखा रहे हैं, वो वहां बरमूला ट्रायंगल में जाकर के क्यों नहीं अपना अभिमान दिखाते, वहां से क्यों बच के चले जाते हैं, एरोप्लेन को भी बचा के निकाल ले जाते हैं, पानी के जहाज को भी बचा के निकाल ले जाते हैं, क्यों डरते हैं वहां से? क्योंकि वो भूत प्रेतों का बड़ा अड्डा है। वो ब्रॉड ड्रामा में बड़ा अड्डा है। बाबा कल बीच में बीज रूप आत्मा दिखाया गया उसके संबंध में क्या दस धर्म का बीज रूप आत्मा का जो दिखाया कल वृक्ष में जड़ों के नीचे बीज, हाँ तो उसके संबंध में कि वो सब है कौन से आत्मा? एडवांस में ही तो सारे बीज बैठे हुए हैं, बेसिक में बैठे हुए हैं जड़, एडवांस में बैठी हुई है बीज, यज्ञ के शुरू में ये थे बीज, किनके सहयोगी यही बीज थे? बाप के सहयोगी थे, बाप के सहयोगी थे, अम्मा आधार होती है जड़ है परिवार की और बाप बीज है,
महाराज किसे आता हूँ ज्ञान सुनाते हैं, संदेह देते हैं, तो संदेह स्वीकार करें और बड़ा ज्ञान चले, इसे सफलता कैसे मिलेगा, इसे सफलता कैसे मिलेगी। तो परख शक्ति की बात है ना, वो आत्मा को जितना हम परखेंगे उतना ही आगे बढ़ा सकेंगे। परख शक्ति नहीं है तो हम उतना फायदा उसको नहीं दिला सकेंगे। और फिर श्रीमत पर चलने की भी बात है, श्रीमत के अनुसार हम चलेंगे और उसको चलाएंगे तो तेजी से आगे बढ़ेगा। हम अपने स्वार्थ को पूर्ति करते रहेंगे तो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे किसी को ज्ञान में निकालते हैं, बुद्धि में भरा हुआ है, बड़ा आदमी है, ये ज्ञान सीख लेगा तो इसके पास बहुत मकान है, हमको मिनी मदन खोलने के लिए हमारे शहर में मकान मिल जाएगा। तो ये श्रीमत के अनुकूल संकल्प हुआ या श्रीमत के बरखिलाफ हुआ? बरखिलाफ हो गया। और अष्टदेव का सागर पाठ क्या हुआ? उनको जितना सुख मिलता है इस सृष्टि पर उतना और कोई भी ग्रुप की आत्माओं को नहीं मिलता। वो जितना सुखी होते हैं उतना और कोई भी सुखी नहीं होते। वो धर्मराज के डंडे नहीं खाते हैं इसलिए, क्योंकि पूरा श्रीमत पर चलते हैं। अभी भी जहां कहीं पुरुषार्थ कर रहे होंगे बाप के बहुत नजदीक होंगे, बाप की ही सेवा में लगे होंगे जब से निकले होंगे, उन्हें अपने लौकिक की कोई परवाह नहीं कि बैठे बैठे लौकिक में नाक रगड़ रहे हो तमो प्रधान संबंधियों के बीच में। ये 84वें जन्म के जो संबंधी मिलते हैं वो तमो प्रधान मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं? है 84 जन्मों में जितने तमो प्रधान संबंधी नहीं मिले हैं दुखदाई, उससे ज्यादा तमो प्रधान दुखदाई संबंधी इस जन्म में मिलते हैं, चाहे वो संबंधी लौकिक दुनिया के हों और चाहे वो संबंधी सोने की दुनिया के हों, सोने की जंजीरों वाले अलौकिक ब्राह्मण परिवार में। यहां ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनकर के भी तो संबंध जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं? हैं? बाबा तो बताते हैं संबंध तोड़ने का टाइम है, लेकिन करते क्या है? बजाय इंद्रियों से संबंध तोड़ने के और ही संबंध जोड़ के बैठते हैं। टाइम की परख ही नहीं। बाबा नरोत्तम क्या है बोले, अगर अष्टदेव है तो नष्टदेव कौन है? नष्टदेव क्या पार्ट? नष्टदेव का क्या पार्ट? यज्ञ के आदि में उनका जो पार्ट था, एडवांस के आदि में उनका जो पार्ट था वो अंत में भी उनका वो ही पार्ट होगा। एडवांस के आदि में पार्ट था, कोई इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस के बीज रूप थे कि नहीं थे? तो उन्होंने क्या पार्ट बजाया? है बाप को प्रत्यक्ष किया या बाप के मान मर्तबे को नष्ट किया? नष्ट किया, अभी भी नष्ट कर रहे हैं। उनका पार्टी आदि मध्यंत यही पार्ट। हैं तो सूर्यवंशी माला में भी आएंगे, लेकिन पार्ट क्या है? लेफ्टिस्ट का पार्ट है,
जो आत्मा ना बाबा ओम शांति में लागे थे झुके थे आगे में, वो आत्मा फिर ओम शांति को छोड़कर किस्तान के किस्तान धर्मों में वो गया, तब हम लोग का ये आत्मा किस्तान धर्म में ओम शांति छोड़कर गया, वो आत्मा फिर वो आत्मा लौट कर फिर ओम शांति में आएंगे कि नहीं आएंगे बाबा? सारी दुनिया ही आएगी, वो क्यों नहीं आएंगे? छोड़कर आएगा। हाँ जी, यहाँ नहीं है बहुत से ऐसे जो एडवांस में आ गए और एडवांस छोड़ करके फिर बीके में चले गए, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं था इसलिए चले गए। ओम शांति ने जो जो लगा हुआ आत्मा वो भी ओम शांति के छोड़कर दूसरे आत्मा में कन्वर्ट होने जाएगा बाबा? जाते हैं ना, 500-700 करोड़ पत्ते हैं तो उनमें सब तरह की पार्टधारी है कि कोई एक ऐसा पार्टधारी जो न हो? वैरायटी झाड़ है, ये वैरायटी पत्ते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में एक आत्मा ऐसा भी पार्टधारी है कि 84 जन्मों के चक्कर तो काटती है, लेकिन कोई में अटैच नहीं होती, डिटैच होकर के रहती है। ऐसे नहीं संसर्ग संपर्क में नहीं आती है, संबंध में नहीं आती है, इंद्रियों के संबंध संसर्ग में भी आती है फिर भी डिटैच होकर रहती है। और एक आत्मा ऐसी है कि इंद्रियों के संसर्ग संपर्क संबंध में आती ही नहीं, उसे एक आत्मा का एक के साथ ही 84 जन्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है गहरे संबंध के रूप में। जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी हमारी, बरौ संबोन तो रहूं कुहारी, जो पार्वती के लिए गायन है ऐसा भी पार्ट है। तो वो आत्मा कितनी सुखी रहती होगी। और भक्ति मार्ग में भगवान राम कहते हैं लोग जो सीता को अग्निवास में दे दी और बनारसी सीता को वहां तो रावण चुरा के ले गया और तो इतना नरलीला किए, इतना दम नहीं काम किए। हाँ तो यही की तो बात है, दो ही तो मुख्य सीताएं हैं, एक तो ओरिजिनल सीता, शीत माने शीत ठंडी, कंद कर्मेंद्रियों से सदा ही ठंडी है, 100-200 रानियों के बीच में रहती है महाराजा के साथ, तो भी इसकी इंद्रियों में कभी आग नहीं लगती, कभी ईर्ष्या देश नहीं आता, तो शीत है या गर्म है? शीतल इंद्रियों वाली है या गर्म इंद्रियों वाली है? शीतल इंद्रियों वाली है। दूसरी सीता उसके बिल्कुल उल्टी भी है, वो जड़त्वमयी तत्वों से बनाई गई है, सोने की मूर्ति बना के रख दी, झूठी वो भी नहीं है, झूठी होती तो दूसरे नंबर में कहां से आ जाती? तुम सब सीताएं हो तो सब नंबर बार हैं कि एक ही नंबर है? नंबर बार है, कोई पहला नंबर है कोई दूसरा नंबर है। तो झूठी सीता को रावण ले गया, अभी अभी तो बताया, ऐसी भी आत्मा रूपी सीता है जो तन से अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में आती है, महाकाली कही जाती है, महाकाली कर्म करती है लेकिन बुद्धियोग से बिल्कुल न्यारी, कोई भी अटैचमेंट कहीं भी नहीं लगता,
सकती है। दो सीताएं हैं, अब बताओ दोनों सीताओं में से ऐसी ताकत कौन सी सीता में होगी जो धनुष को उठा ले, जिस धनुष को राम ने तोड़ा था उस धनुष को आसानी से उठा ले बाएं हाथ में, बाएं हाथ का खेल है वो, कौन सी है? है? वही शीतल स्वभाव वाली। धनुष क्या है? वो भी पुरुषार्थ रूपी धनुष है, शरीर जिसे पुरुषार्थ किया जाता है। उस शरीर को संभाल ले, शरीर रूपी चाप कहा जाता है, शरीर रूपी बेड़ा कहा जाता है, शरीर रूपी जहाज कहा जाता है, शरीर रूपी जहाज को कंट्रोल कर ले। सभी तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और पानी का पानी क्या होता है? चुल्लू का पानी, चुल्लू पानी, ऐसा हाथ किया साग समंदर है, समुन्द्र में से पानी लिया, ये चुल्लू पानी हो गया। तो ऐसे ही सन्यासी कहते हैं हम सब जो आत्माएं हैं वो सागर के चुल्लू पानी हैं। ये चुल्लू पानी सागर में मिल जाएगा, फिर जो सागर में मिल जाएगा वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आत्मा विनाशी हुई क्या अविनाशी हुई? विनाशी हो गई। तो वो तो उल्टे उल्टे प्रमाण देते हैं, उदाहरण देते हैं। बाबा ने तो बता दी, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, वो बाबा का भागीदार था ना जी। भागीदार बाबा ने उसे क्यों बनाया? बाबा के पास धन संपत्ति ज्यादा थी या भागीदार के पास ज्यादा धन संपत्ति थी? बाबा के पास ज्यादा थी, तो बाबा ने अपनी इतनी धन संपत्ति जो है वो जिस भागीदार को दी होगी तो उसके पास कोई विशेष कोई विशेषता होगी तभी तो दी होगी। अरे भाई खेती में किसी को भागीदार बनाया जाता है? हमारे पास खेती है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, हमारे बाल बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो खेती करें, तो क्या करते हैं? खेती को भागीदार को दे देते हैं, बटाईदार को, भाई आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा, खेती हमारी रही, मेहनत तुम करो। तो भागीदार हो गया ना। तो भागीदार क्या साबित करता है? भागीदार शब्द ये साबित करता है कि ब्रह्मा के बाबा के पास धन संपत्ति तो बहुत थी लेकिन उतनी होशियारी नहीं थी जितनी होशियारी भागीदार के पास थी। इसीलिए जब साक्षात्कार हुए तो चारों तरफ घूमते रहे, कहीं उनको समाधान नहीं मिला। फिर अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने ज्यादा होशियार समझा उसके पास गए तभी समाधान मिला। चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसी बात हो गई। ब्रह्मा बाबा को सिंह में साक्षात्कार हुआ था कलकत्ता में, सिंह
उसके बाद वहां से भागीदार नहीं सीधे नहीं आए थे, इधर उधर पूछते रहे, अपने गुरु से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वाराणसी में आए, बहुत दिन रहे, वहां भी चित्र बनाते रहे, कोई समाधान नहीं मिला। विद्वान पंडित आचार्यों से मिले, कोई समाधान नहीं मिला। आखिर इन कहां पहुंचे, अपनी पुरानी गद्दी पे पहुंच गए, जहां उन्होंने भागीदार सौंपा हुआ था दुकान संभालने के लिए, वहां से उनको समाधान मिली है। ऐसे भी कोई आत्मा है जो बेसिक में चल रही थी, तो कोई ऐसा प्रकार का धोखा हुआ जो बेसिक को छोड़ के आ गई, और उसको एडवांस ज्ञान समझाने पर भी न एडवांस में मान रही है न बेसिक में मान रही है, अब बोलती हम शादी करेगी। सब तरह अभी बताया ना, सब तरह की आत्माएं, तो शादी करके नाक नगड़ के फिर एडवांस में आ जाएगी। अगर माँ बाप सब उसके घर में ज्ञान में चल रहे हैं, शादी करने से पाप चलेगा या नहीं? जिसको जिस बात का अनुभव नहीं है वो अनुभव ले लेना चाहिए ना, वो अनुभव ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, फिर एडवांस में आ जाएगी। घर में रह करके कोई फायदा भी तो नहीं है, घर में रह करके कोई फायदा भी तो नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती क्यों करना चाहिए? जबरदस्ती करना माना मुसलमान धर्म में जाना, और बेसिक में बाबा आप सम्मत बन थी, इसका फिर मानसिक थी गड़बड़ा गया है, इसको जो घर ले आए अब यू मुड़ी सुनने के लिए भी बेचाती है ना। कोई धोखा मिला, धोखा जब खा गया सांप के घिरना हो गया उसको, मतलब है तो सांप के संस्थे से घिरना हो गया। हाँ जी, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, उसको घर ले आए, उसका फिर मानसिक आकर से उपचार किए तभी ठीक है। अच्छा जी, ठीक से ज्ञान चल रही है, तो सुना ही नहीं चाहती है, बेसिक से उसको बहुत मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया ना, तो घर ले आए उसको, मान लो कि बेटी है, उसको घर ले आए, और उसके बाद मानसिक डॉक्टर से उपचार किए, सिलीगुड़ी से भी उपचार किए, उपचार ठीक हो गया, ये अभी ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, अब शादी करना चाहती है। तो और मनसा खराब हो गई, और ज्यादा पागलपन सवार हो गया। असली पागलपन तो आप बाहर निकला, और तो क्या किया है? क्या किया? हर आत्मा को स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, 18 साल का हो गया ना, तो फिर उसको स्वतंत्र करो। शास्त्रों में जो नियम बनाए हैं वो बड़े मजबूत नियम बनाए हुए हैं, पंचवर्षाण लाड़ते, बच्चों को 5 वर्ष तक खूब प्यार करो, मारपीट नहीं, ताड़ना नहीं, डांट डपट नहीं, पंचवर्षाण लाड़ते 10 वर्षाण ताड़ते, 10 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक उनकी पिटाई करो, गलती करने पर धुनाई करो, डांट डपट करो, है 10 से 15 साल तक। तत्पश्चात पुत्रेण मित्रवत समाचरित, उसके बाद पुत्र के साथ दोस्ती का व्यवहार करो, जबरदस्ती न करो, जो चाहता है उसे करने दो। बाबा भी यही कहते हैं, बच्ची है शादी कराना चाहती है, बड़ी हो गई, बालिग हो गई, उसकी शादी करा दो, नहीं कराएंगे बांध बूंद के रखेंगे, मुंह काला करके चली जाएगी, क्या फायदा? बच्चा है, गेट आउट जाओ, बच्चा और बच्ची में से कोई भी अगर लव मैरिज करता है
तो प्रॉपर्टी का एक पैसा नहीं देना। बाबा फिर कानून वाला नहीं मानेगा ना? कानून तो नहीं मानेगा ना? क्या कानून नहीं मानेगा? कानून तो कहता है बाप जब तक जिंदा है बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी पर एक एक पैसे का बाप का हक है। बच्चा जबरदस्ती नहीं ले सकता, दादे की ले सकता है, बाप की कमाई नहीं ले सकता। कानून तो सारे हमारे हक में बने हुए हैं, ईश्वरीय हक में बने हुए हैं। ऐसा करने से बाबा बच्चों का भला होगा क्या? कैसा करने से? उसको एक कौड़ी भी ना देने, ना ही देने से उसको कुछ करके देख लो, नाक रगड़ के देख लो, फिर उसके बाद बाबा की बात को काटना। बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, नारायण के वाक्य समझो उन्हें। नारायण माने प्रजापिता, वो पत्थर की लकीर है, उनको कोई काट नहीं सकता। तुम काटने की हिम्मत कर रहे हो तो करके देखो। थोड़ा झंझट तो लगाएगा है? थोड़ा झंझट तो लगाएगा। क्या झंझट लगाएगा? तो अधिकार तो ले लेगा ना? अधिकार तो भग रहा है ना? अधिकार है कहाँ? अधिकार कानून में अधिकार है? कानून तो फंसा है। कानून? कानून में तो हमारा भी कुछ अंक तो मिलेगा ऐसा बोल रहा है ना? क्या हिस्सा? प्रॉपर्टी का हिस्सा। प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर बाप का कमाया हुआ है तो बच्चे लेने का हकदार नहीं है, अगर बाप की तरीके से नहीं चलता है। अगर डाडे की प्रॉपर्टी है तो उसका हिस्सा उसे दे ही दो, नहीं भी दे दो तो वो कोर्ट से लड़े, लड़ करके ले ले, कुछ मेहनत तो करे। और ओम शांति।